मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो मैं एक बार सोया था आराम से फोन बनाकर, इन्हें नजारा आप लोग देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर बात कर दिया था, देन ये है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बिग बी वॉइस यूट्यूब में आप सभी को स्वागत करते हैं। तो आज की वीडियो भी यही से देख सकते हैं यहाँ पर है मतलब इधर जाएगा तो आप उनको मिल जाएगा नेपाल। ये सोच भी नहीं सकता कि मैं नेपाल के बी बॉय, वैसे नेपाल जाने के लिए भी बहुत खुश है। मतलब एक दिन जाएंगे जरूर। पीछे जो रिक्शे वाला वो देख रहा है, मतलब वहां से हमको थोड़ी दूर जाते हैं नेपाल मिल जाता है यार। ओ माय गॉड, बी बॉय जो थे वे नेपाल के बिल्कुल करीब थे। खाना मिलेगा? ओके देन यहाँ पर हम लोग खाना खा लेते रे बाबा। A few moments later. इवनिंग के व्यू कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो हमने खाना खा लिया है एंड अभी हमें होटल ढूंढना है। होटल रूम कब से ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं मिल रहे अभी तक। ये दिख नहीं रहा था यार। होटल ग्रीन प्लाजा रूम नंबर 108। यहाँ पर देखो ना, पानी किधर है? बी बॉय बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, रूम मिल गया अभी। आप सभी को वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक ऐप के बारे में अपलोड होने ही वाला है। ओके, एम रूम आप लोग देख सकते हैं। और भाई यहाँ पर नहा रहा है, ये टीवी वगैरह वगैरह है और बाहर का नजारा देखा जाए तो कुछ इस तरह है रे बाबा। ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल। तो व्यू कुछ इस तरह है, तो वहां पर हम जाम लगा सकते हैं आसानी से। ओ माय गॉड, जाम लगाओ क्या यहाँ पर? तो जाम लगा सकते हैं। यहाँ से गिरा तो गया ऊपर एंड नजारा यहाँ से गिरा तो गया ऊपर। अभी हम लोग ये लाइन बहुत ही कमाल की है। अरे बाबा, चलो गाइस चलते हैं। रूम हमने खाली कर दिया है, ये पानी नहीं चाहिए। ये पानी पूरा खराब हमें भर के दिया है। ये बोतल सही है बट पानी बहुत खराब है। चलिए चलते हैं हम होटल से। ओके, ऐसे ही होता है। तो हमें हमें अभी ब्रेकफास्ट भी करना है। वहाँ होटल पे इतना अच्छे से खाना नहीं मिल रहा था आपको, ये पानी भी उतना ठीक नहीं था, पूरा बाहर बरसा दिया हुआ है। यहाँ पर फिर को थोड़ा सा छू लेते हैं हम। बारिश है काफी, वैसे बाहर बरसा दिया हुआ है देखिए। तो हम लोग अभी गर्मा गर्म यहाँ पर खाने वाला है पूरी। बाकी लोग देख रहे हैं कि बी बॉय क्या कर रहा है। रूम काफी महंगा है बाहर। अब देख सकते हैं BMW कहाँ पर है। BMW वहाँ पर पार्क किया हुआ है एंड देन बाहर का नजारा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह। और रूम हमरा वहाँ पर। तो गाइस हम लोग 130 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक एक दिन में सफर, 130 से 150 एक दिन में ट्रैवल कर रहे हैं बी बॉय। उधर में रहा था, उधर इतना यार स्पीड कितनी है साइकिल की, नहीं कर रहा था, पैसा तो ले रहा था बहुत ज्यादा, होटल उतना भी ठीक नहीं, बाइक के जितनी तो स्पीड लग रही है। साथ में आप देखें तो मजा है कि एरो कैसे पास हो रहे हैं साथ में। आप सबको तो बताना चाहिए यार, बिहार में भी सब्सक्राइबर लोग, ओ माय गॉड अनबिलीवेबल, थैंक यू सो मच यार बिहार के भाई लोग, धमाका मचाइयो। तो यार गाइस आपने नोटिस किया क्या क्या क्या, जल्दी से कमेंट करो क्या नोटिस किया है। तो मेरे को अच्छे से देखो, मेरे को अच्छे से देखने से पता चल गया कि क्या हुआ है, क्या बटला है मुझ में कल हुआ ना यार। स्किन देखो, स्किन फेस देखो, मतलब हाथ से पार यार, कितना मतलब धूप ज्यादा है ना,
तो स्किन ऐसा हो गया यार, काला कौवा चौन बनेगा तो चौना बन चुकी है काला तो रात होने वाला है गाइस, एंड देन रात होते होते अरे कितना पानी है रास्ते में। ये कौन सा जगह है बिहार? बिहार का केसरिया, मोतिहारी जिला। मोतिहारी जिला, मोतिहारी जिला, ईस्ट चंपारण। वीडियो बहुत देखता है यार। अरे यार बिहार में कितनी धूप है, खबर बढ़िया है। सबके रंग जो है वो चॉकलेट की तरह है। यहाँ कैसे, यहाँ कैसे पहुँच गया ना? क्या निकले? हाँ हाँ, केदारनाथ जा रहे हो? अच्छा केदारनाथ। हाँ हाँ, मेरे ख्याल में बिहार का पानी ही ऐसा है, धूप तो सब जगह होती है। अभी हम लोग कहाँ पर रहे, कहाँ पर नहीं रहे, हो रहे हमारे हाथ में सिर्फ 500 रुपया पैसा है, देन अभी इससे हम खाना खाए या होटल रूम में रहे। एटीएम नहीं मिला तो आज हम लोग मर गए। रास्ते में रहने के सोच रहा था, बट एक सब्सक्राइबर मिला, उन्होंने बोला कि अभी इस टाइम में ठीक नहीं रहेगा बाहर रहना क्योंकि इलेक्शन चल रहा है। हो सकता है, उन्होंने बोला इलेक्शन चल रहा है, एम्बुलेंस फंसा हुआ है, BMW 2 यहाँ पर पार्क कर दिया, एंड हम लोग यहाँ पर खाना खाने वाला है। जो भी हो यार, रूम वूम मिले या ना मिले, 500 रुपया बचा हुआ है, खाना खा के अब जाएगा 250 रुपये ऐसा कुछ करके तो बच जाएगा 250 रुपया। तो इससे तो रूम है नहीं मिलने वाला, क्या होगा पता नहीं यार, खा लेते पहले। इधर ये तो अच्छा होगा, अच्छा ही होगा। डलमिया सीमेंट जंक यार, ये बोडो म्यूजिक भी था यहाँ पर, पोस्टर लगा हुआ उसका। थैंक यू सो मच भैया, सेट तो बनता है रे। तो भाई कहाँ से आप? नेपाल से। नेपाल से? ओह माय गॉड, ये है नेपाल से भैया। थैंक यू सो मच। कल रात को हम लोग यहीं पर टेंट बनाकर सोया था, आप देख सकते हैं ये है होटल और ये है हम लोगों का टेंट। कल रात को हम लोग यहीं पर सोया था, बाहर आप देख सकते हैं नजारा कुछ इस तरह है। डलमिया सीमेंट यार, ये कंपनी है सीमेंट की, मैंने समझा कि सॉन्ग का नाम था वैसे। ओ भैया किधर सो गया रे भैया? ओके भैया हम चलते हैं, जिन्होंने हमें हेल्प किया था, थैंक यू सो मच भैया, हमें एक रात के लिए। भैया को सोने भी नहीं दिया यार, बी बॉय। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू, थैंक यू सो मच। B-boy जो है उनकी अपनी इंग्लिश है वैसे। कभी इधर आए ना, यहाँ पर खाए बिना ना जाए। चलो सर्स में नेपाल वाला बहुत दिल वाला होता है रे बाबा, जब आपको उन्होंने तकलीफ में देखा। ये बात बिल्कुल सच है, अरे यार नेपाल वाला बहुत दिल वाला होता है। बिहार को क्रॉस करने वाले, बिहार को फोर्स करते हुए हम लोग अंडर पेन, यानी कि हम उत्तर प्रदेश एंट्री करने वाला है। तो सच में यार गाइस, अभी भी इंसानियत जिंदा है, उन्होंने हमारे फीलिंग्स को समझा और एक रात के लिए जगह दे दिया। सच में यार दिल वाला है। तो बच्चा लोग इस दुनिया में इंसानियत है। B-boy काफी खुश है वैसे नेपाली भाई से मिलकर। और हाँ मैं ये बोलना चाहूंगा कि बिहार में आने से बहुत सारे लोग डरते हैं, डरने का नहीं है, वो लोग भी इंसान ही है। ये बात सच है यार, बिहार में भी आखिर इंसान ही रहते हैं, हाल आपको निकाल कर देगा ही देगा है। तो देन बिहार भी एक ऐसी खूबसूरत जगह है जो कि आपने कभी नहीं देखा होगा। और हाँ बस ये बदलना है, ये कहा है रे बाबा, ये कहा है, बस ये बदलना है। तो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह में से एक होने वाला है बिहार। सच है यार बाबा, और ज्यादा है नहीं। वेलकम टू उत्तर प्रदेश। Welcome to Uttar Pradesh। आप बिहार से आओगे तो पहला टोल गेट मिलेगा उत्तर प्रदेश का, ये है उत्तर प्रदेश का पहला टोल गेट जो कि All right। उत्तर प्रदेश का पहला टोल गेट आ चुका है। टोल गेट तो लाइक से कमेंट जरूर करना, एंड अच्छा नहीं यार बी बॉय में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है गाइस? सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट धमाका वीडियो आने वाला है। चले चलते हैं आगे। सड़ा बटवाई है कि यही